आपके साथ साक्षी रुटेजा। पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सुरक्षा बलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाली गुवाहाटी की एक महिला प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुवाहाटी के आइकॉन कॉमर्स कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय सैनिकों के बारे में गलत टिप्पणी दे रही थी, जिसके बाद उन्हें सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के साथ साथ कॉलेज प्रशासन ने भी उन्हें मामले की जांच करने तक सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि कश्मीर के पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। ऐसे में सुरक्षा बलों पर प्रोफेसर की अभद्र टिप्पणी को लेकर हर कोई गुस्से में है। असिस्टेंट प्रोफेसर पपरी जी बनर्जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि 45 युवा बहादुर कल मारे गए, यह कोई जंग नहीं है, उन्हें तो लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, यह उच्च स्तर की कायराना हरकत है, इससे हर भारतीय का दिल तोड़ा है। लेकिन 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 क्या सुरक्षा बलों ने घाटी में यही काम नहीं किया है? आपने उनकी औरतों से बलात्कार किया, आपने उनके बच्चों को अपंग बताया, साथ ही आपने उनके बच्चों को अपंग बताते हुए उनकी हत्या की, आपने उनके मर्दों का भी वध किया। आपकी मीडिया लगातार उन्हें राक्षस साबित करने पर तुली है और आपको लगता है कि इसका प्रतिकार नहीं होगा। क्या आप जानते हैं, आतंकवाद इस्लामी हो सकता है लेकिन कर्म बहुत भारतीय सनातन अवधारणा है। ऐसा कहने के बाद प्रोफेसर के ऊपर हर कोई सिर्फ नाराज दिख रहा है और प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, साथ ही उन्हें उनके कॉलेज यानी कि जहां वो काम करती थी वहां से सस्पेंड कर दिया गया है और ये बोला गया है कि इसके बाद आपको किसी भी कॉलेज में काम नहीं मिलेगा, यानी कि इन प्रोफेसर को अब अपनी पूरी लाइफ बिना काम के बितानी पड़ेगी। फिलहाल तो अभी गिरफ्तार है और देखना होगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए PMS News।